अभी देखिए बच्चों को अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट है 4। ठीक, देखिए कल अपनों ने हरितलोक की संरचना के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हरितलोक में डीएनए मिलता है। हरितलोक में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। इस कारण यह है स्वजनन करने में सक्षम है, भी यह स्वजनन करने में सक्षम होता है। ठीक, यानी जो हरितलवक है वो अपने समान नए हरितलवक बनाने में सक्षम होता है, डुप्लीकेशन करने में या द्विगुणन करने में। देखिए हरितलवक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, भी सेमी ऑटोनोमस। हरितलवक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस। ठीक, क्यों है? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए मिलता है, राइबोसोम्स मिलते हैं, आरएनए भी मिलता है, इसलिए। ठीक, ये जो हरितलवक है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ठीक, यानी जिस पर, मतलब अर्ध स्वायत्त का मतलब जो खुद पर नियंत्रण कर सके, पूरी तरीके से तो नियंत्रण नहीं कर पाता। ठीक, क्योंकि अर्ध स्वायत्त है, यानी हरितलवक में जो डीएनए है ना, यह डीएनए हरितलवक द्वारा जितनी भी उपापचय क्रिया संपन्न होती है, ठीक, उनमें से कुछ को नियंत्रित करता है और कुछ जो केंद्र के डीएनए है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, तो हरितलवक की क्रियाएं केंद्र के डीएनए द्वारा भी नियंत्रित होती है और इसमें मिलने वाले डीएनए यानी खुद इसके डीएनए द्वारा भी नियंत्रित होती है, इसलिए इसको अपने कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। आगे देखिए, हरितलवक को कोशिका में कोशिका कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरितलवक को कोशिका में कोशिका कहा जाता है। ठीक, हरितलवक को कोशिका में कोशिका कहा जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी अपने कोशिका में कोशिका कहते हैं। तो ये दो कोशिकांग हो गए जिनको अपने कोशिका में कोशिका कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक, अपना टॉपिक, इसके बारे में देखते हैं भी अपने। चलो ये साफ कर दिया क्या? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक, देखिए वर्णक होते क्या है पहले तो ये आपको बताना चाहिए। वर्णक क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं। ठीक, वर्णक कार्बनिक अणु होते हैं और इनका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक, तो यहां पर अवशोषण का मतलब क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कौन करता है? वर्णक करता है। तो यहां पर ऊर्जा का अवशोषण से तात्पर्य क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए वैसे तो कई तरह के वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, लेकिन मुख्य वर्णक होता है पर्णहरित। ठीक, थोड़ा सा समझिए, डिटेल में अपने आगे देखेंगे। ये मान लीजिए कोई पर्णहरित का अणु है
और इसके पीछे ये अन्य सहायक वर्णक है। ये पंडित का अणु है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए है, ठीक है, क्लोरोफिल ए का कोई एक अणु है और ये पीछे सहायक वर्णक है। सहायक वर्णकों में क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटेनोइड्स, जंतोफिल, ठीक। अब प्रकाश ऊर्जा का शोषण का क्या मतलब है? सनलाइट आ रही है, जो सोलर एनर्जी है वो आ रही है और यह एनर्जी इन वर्णकों को उत्तेजित करती है, यानी ये वर्णक ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं, यानी इनमें भी अब एनर्जी आ गई है और यह जो एनर्जी है, ये जितने भी वर्णक है, पिगमेंट्स है, यह अपनी ऊर्जा किसको ट्रांसफर करेंगे? जो क्लोरोफिल ए है, जो मुख्य वर्णक की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपने आगे देखेंगे इसकी डिटेल। तो इसको अपने रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। ये जो वर्णक पीछे हैं, ये ऊर्जा पाकर एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने में असमर्थ है। ये जो पीछे सहायक वर्णक है ना, ये ऊर्जा तो अवशोषित करेंगे लेकिन ये इतने उत्तेजित नहीं हो पाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, ठीक है। या सिस्टम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागते हैं। इनमें जो एनर्जी है ना, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? क्लोरोफिल ए में। ये खुद भी ऊर्जा का अवशोषण करेगा और पीछे जो सहायक वर्णक है, इनसे भी इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो इसे कहते हैं अपने ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण मतलब कि जो सनलाइट है वो वर्णकों पर गिरेगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, जो सहायक वर्णक है, ये सहायक वर्णक मुख्य वर्णक को ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे। तो ये जो मुख्य वर्णक है, इनको सहायक वर्णकों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है और खुद भी ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, तो ये एक्साइटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। बस यही कहानी है यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण, ठीक, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक हमने पढ़ रहे हैं और वर्णक क्या होते हैं, कार्बनिक अणु और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, अवशोषित करने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा किसी वर्णक के द्वारा, ठीक, तो अपने कहते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण हो गया है। आगे देखिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है भी, और इसमें वर्णकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था किस प्रकार होती है, वो अपने आगे देखेंगे डिटेल में। और ये जो पिगमेंट्स हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? पटलिकाओं की सतह पर, पटलिकाओं की सतह पर, ठीक। ये जो वर्णक है, ये पटलिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। हरितलोक में पाए जाने वाले मुख्य वर्णक निम्न है, तो अपने इन वर्णकों के बारे में देखते हैं। जो पहला है वो है पणहरित क्लोरोफिल, पणहरित क्लोरोफिल। देखिए पणहरित कई प्रकार के होते हैं, पहली बात तो ये, और ये हरे रंग के होते हैं, कई प्रकार के, और ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है।
और प्रकाश संश्लेषण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण वर्णक यही है, प्रकाश संश्लेषण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या कह सकते हैं आप कि सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, अब देखिए मैंने लिखा है कई प्रकार के, तो जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है। ठीक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक, तो लिख देता हूँ सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इस तरीके से। ठीक, इनके अलावा बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए क्लोरोफिल कई प्रकार के हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से 8 प्रकार के क्लोरोफिल खोजे गए हैं प्लांट में। ये जो लिखी है ना, ये मतलब दिखने में तो क्लोरोफिल जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन पादपों में जो क्लोरोफिल मिलता है ये थोड़े से अलग है, ये बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये भी मतलब एक प्रकार की क्लोरोफिल ही है, लेकिन पादपों में जो क्लोरोफिल मिलते हैं उनसे थोड़े से अलग है, ये बैक्टीरिया में मिलते हैं एक प्रकार के क्लोरोफिल ही। ठीक, पादपों में तो ये मिलते हैं भी, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ, इस तरह 8 है। ठीक, और ये मैंने आपको बता दिया कि एक मतलब ये स्ट्रक्चर में लगभग क्लोरोफिल के समान ही है, तो इनको अपने क्लोरोफिल में ही शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग प्रकार के वर्णक है। ठीक है, ये मिलते हैं बैक्टीरिया में। ठीक, आगे देखिए, अब एक बात और, इनमें से जो सार्वत्रिक वर्णक है वो है क्लोरोफिल ए, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, जो सभी प्लांट्स में मिलता है, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडो, जिम्नो से एनजीओ, ठीक, जितने भी पादप है या पादपों के जितने भी समूह हैं, 5 समूह हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ, सभी पादपों में चाहे वो निम्न श्रेणी का हो चाहे उच्च श्रेणी का हो, उनमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए। तो इसको कहते हैं अपने यूनिवर्सल पिगमेंट। तो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए सभी प्लांट्स में मिलेगा। आगे देखिए, हाँ, क्लोरोफिल ए जीवाणुओं में नहीं मिलता है, अभी जीवाणुओं में अलग तरह के क्लोरोफिल्स मिलते हैं, जो पादपों में मिलने वाले क्लोरोफिल से थोड़े से अलग होते हैं। जीवाणु मिलने वाले ये है बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। आगे देखिए, जो क्लोरोफिल बी है ना, सहायक वर्णक की तरह कार्य करता है। देखिए यहां पर अपने दो तरह के वर्णक है, मुख्य वर्णक और सहायक वर्णक। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में क्या मतलब है मुख्य वर्णक का, मुख्य वर्णक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, अपने उसे मुख्य वर्णक कहते हैं। ठीक, और यह भूमिका कौन निभाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सहायक वर्णक वो होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और ये है अवशोषित ऊर्जा वो किसे ट्रांसफर कर देंगे, मुख्य वर्णक को। ठीक, यानी सहायक वर्णक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल बी है ना, क्लोरोफिल बी यह सहायक वर्णक है भी,
क्लोरोफिल ए को छोड़कर जितने भी वर्णक है, क्लोरोफिल ए को छोड़कर वो सब किस में आएंगे? सहायक वर्णकों में आएंगे। ठीक, अब ये तो क्लोरोफिल बी है ना, क्लोरोफिल बी सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों, सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों और हरे शैवालों में मिलता है, हरे शैवालों में मिलता है, लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में यह नहीं मिलता। ठीक, इसलिए इसको अपने सार्वत्रिक वर्णक नहीं कहती। सार्वत्रिक वर्णक कौन है? क्लोरोफिल ए है, तो सभी में मिलता है, और क्लोरोफिल बी सभी पादपों, और सभी पादपों का मतलब दो श्रेणी के पादप है। ठीक, और हरे शैवालों ये भी पादप ही है वैसे, निम्न श्रेणी के। तो क्लोरोफिल बी उच्च श्रेणी के पादपों में मिलेगा, सभी उच्च श्रेणी के पादपों में, और हरे शैवालों में मिलेगा जो कि निम्न श्रेणी के पादप है। लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में क्लोरोफिल भी नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं मिलता है, जबकि चाहे लाल हो, भूरा हो, हरा हो, कैसा भी पादप हो, निम्न श्रेणी का, उच्च श्रेणी का, सभी में ये मिलता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल या सार्वत्रिक। आगे देखिए, जो पर्णरित है ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। जो पर्णहरित वर्णक है, जो पर्णहरित वर्णक है ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया वर्णक क्या होते हैं, वर्णक कार्बनिक अणु होते हैं, तो समान समान को बोलता है, तो जो वर्णक है कार्बनिक अणु है, तो ये जो वर्णक है वो कार्बनिक विलायकों में ही घुलेंगे, विलयशील होंगे। आगे बात करते हैं अपने पर्णहरित अणु की संरचना। ये यहां से थोड़ा सा कट गया, आप देख लेना। अगला टॉपिक अपने पर्णहरित अणु की संरचना। देखिए, पर्णहरित अणु की रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम विल्स, टोटर, स्टोल तथा फिशर द्वारा 1912 में किया गया। ठीक, विल्स, टोटर, स्टोल तथा फिशर द्वारा। जो पर्णहरित अणु है वो एक वृहत अणु है भी। ठीक, तो अपने इस तरह लिख देंगे, पर्णहरित एक वृहत, वृत्त कह लो या वृहत कह लो, यानी बड़ा साइज में ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु है। ठीक, पर्णहरित एक वृत्त या वृद्ध ध्रुवीय अणु है, और इसके दो भाग होते हैं भी, पोरफायरिन वलय और फाइटोल। कितने भाग है? दो भाग, पोरफायरिन वलय और फाइटोल। जो पोरफायरिन वलय है ना, वो सिर भाग का निर्माण करती है, और यह है पूंछ भाग का। तो पर्णहरित अणु की बात करें अपने, ठीक है, और पर्णहरित एक वृहत ध्रुवीय अणु है। ठीक, पर्णहरित एक वृहत ध्रुवीय अणु है जिसमें दो भाग है, पोरफायरिन वलय और फाइटोल। पोरफायरिन वलय किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर को, और फाइटोल पूंछ को। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन है? पोरफायरिन वलय, और ये पीछे आप देख रहे हो ना, हाइड्रोकार्बन चेन काफ़ी लंबी है। ठीक, ये इसको कहते हैं अपने फाइटोल भाग। ठीक, यानी पूंछ। तो ये हेड हो गया,
यानी पोरफायरिन बल्ले, और ये हो गया टेल यानी पूंछ। अब देखिए जो पोरफायरिन बल्ले है यह चार पायरोल बल्लों से बनती है। जो पोरफायरिन बल्ले है यह चार पायरोल बल्लों से बनती है, एक दो तीन, एक दो तीन और चार। ठीक, तो यहाँ पर जो पोरफायरिन बल्ले है ये कंप्लीट पोरफायरिन बल्ले है, और जो पोरफायरिन बल्ले है यह चार पायरोल बल्लों से बनती है। ठीक, जो पायरोल बल्ले है ये भी चक्रीय ही होती है, चक्रीय है। तो अपने यह कह सकते हैं कि जो पोरफायरिन बल्ले है यह चार चक्रीय पायरोल बल्लों के संयुक्त होने से बनती है। तो ये यहाँ पर चार हो गई है, एक दो तीन चार। आगे देखिए ये जो पायरोल बल्ले है ना, मैंने बताया कि आपस में संयुक्त होती है, चार पायरोल बल्ले है और ये आपस में संयुक्त होकर क्या बनाएगी, पोरफायरिन बल्ले। ठीक है, लेकिन ये जो पायरोल बल्ले है ये किस प्रकार से संयुक्त होती है, मेथिल बंधों द्वारा, मेथिल बंधों द्वारा। ठीक, ठीक, ये हो गया अपना कि जो चारों पायरोल बल्ले है ना वो मेथिल बंधों द्वारा संयुक्त होकर एक बड़ी बल्ले बनाती है जिसको कहते हैं अपने पोरफायरिन रिंग या पोरफायरिन बल्ले। अब देखिए जो ये बल्ले बनी है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, भी ये बल्ले और इसके सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक, तो आपसे पूछ ले कि फन हरित में कौन सी धातु मिलती है, तो मैग्नीशियम। ठीक, और अगर कहीं पर मैग्नीशियम की कमी है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम की कमी का मतलब पत्तियां पीली पड़ जाएगी। ठीक, अगर पत्तियां पीली पड़ गई है तो इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि जो ज़मीन है, मृदा है, उसमें मैग्नीशियम की कमी है। और भी कई कारण पत्तियों के पीली पड़ने के, आयरन की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ जाती है, सल्फर भी है। ठीक, मैग्नीशियम तो है ही है, मैग्नीशियम की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ जाती है। आगे देखिए अब जो चतुर्थ पायरोल बल्ले है, मैंने आपको बताया कि चार पायरोल बल्ले होती है, जो चतुर्थ पायरोल बल्ले, जो चतुर्थ पायरोल बल्ले है उससे एक लंबी अल्कोहल की श्रृंखला जुड़ी रहती है, उससे एक लंबी अल्कोहल की श्रृंखला जुड़ी रहती है जिसे फाइटोल कहते हैं, जिसे फाइटोल कहते हैं। जो अपनी चतुर्थ बल्ले है उससे एक लंबी अल्कोहल की श्रृंखला जुड़ी रहती है जिसे अपने फाइटोल या पूंछ कहते हैं। ठीक, अब देखिए जहाँ पर अंतर क्या होगा दोनों में, परिणित ए और बी में अंतर देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनमें क्या अंतर होगा, ये जो आर है ना आर, इस पोजीशन पर क्या होगा, क्लोरोफिल ए में इस आर की, मतलब आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एच थ्री को, यानी क्लोरोफिल ए में यहाँ पर सी एच थ्री होगा और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर क्या होगा, सी एच ओ, जो आर लिखा है ना आर, यानी क्लोरोफिल ए में यहाँ पर सी एच थ्री मिलेगा इस पोजीशन पर और क्लोरोफिल बी में सी एच ओ, ठीक, एल डी आईड, ठीक मिलेगा। तो बस ये इतना ही अंतर है क्लोरोफिल ए और बी में, बाकी सब क्या है, सेम है। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले क्लोरोफिल ए का, तो सी पचपन एच बहत्तर, सी पचपन एच
बेहतर O5N4Mg, O5N4Mg, ये किसका हो गया? क्लोरोफिल ए का। और क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg, C55H70O6N4Mg, ये किसका हो गया? क्लोरोफिल बी का सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए जो पणिरित का शीर्ष भाग है ना, वह जल अनुरागी होता है। शीर्ष भाग जल अनुरागी यानी हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, और पूंछ भाग यानी जो फाइटोल भाग है वो क्या होगा? जल विरोधी, जल विरागी या हाइड्रोफोबिक। तो ये होगा हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, और यह जल विरोधी यानी हाइड्रोफोबिक। तो देखिए पणिरित अणु का शीर्ष भाग जल अनुरागी व पूंछ भाग जल विरागी होता है। समझ गए? जल अनुरागी यानी हाइड्रोफिलिक, और जल विरागी या जल विरोधी हाइड्रोफोबिक। और इस कारण ये पणिरित जो अणु है उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। देखिए जो पणिरित है ना उसका संश्लेषण प्रकाश में होता है, और अगर प्रकाश ना मिले तो पत्तियां पीली पड़ जाती है, और जिसे कहते हैं अपने पंडूरता। क्या कहते हैं? पंडूरता। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल।